जन्माष्टमी को भूलकर भी न करें ये 6 गलतियां, रातों रात खुलेगी किस्मत। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य मथुरा में हुआ था। भगवान श्री कृष्ण जो है द्वापर युग में इस पृथ्वी पर आए थे और धर्म की स्थापना के लिए इस पृथ्वी पर आए थे। इसी कारण हम सभी लोग मिलकर के कृष्ण जन्माष्टमी का यह महापर्व मनाते हैं और इस दिन को सबसे बड़ा दिन माना जाता है, क्योंकि भगवान स्वयं इस दिन अवतरित हुए थे। भगवान के प्रागट्य का दिवस है, भगवान के अवतार का दिवस है, इसलिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी को सभी लोग जो है बड़े धूमधाम से मनाते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि यह दिन जो है परम सिद्धिदायक माना जाता है। इसे जो है हमारे धर्म ग्रंथों में मोहरात्रि की संज्ञा दी गई है और मोहरात्रि का अर्थ होता है पूरे संसार को जो है वशीभूत करने वाली या संसार को अपने अंडर में करने वाली इस रात्रि को जो है मोहरात्रि कहा जाता है। इसीलिए इस दिन हमारे द्वारा कुछ उपाय भी किए जाते हैं, साथ ही कुछ सावधानियां भी इस दिन हमको रखनी चाहिए जिससे हमको तुरंत फल की प्राप्ति हो सकेगी। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण एक ऐसे जो है देवता है जो इस समय वृंदावन में जो है साक्षात रूप से विराजित है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कलयुग में जो है मैं श्रीमद्भागवत के रूप में इस पृथ्वी पर जो है हमेशा हमेशा के लिए रहूँगा और वृंदावन मेरा परम धाम है, वहाँ पर आज भी मेरी झलक भक्त द्वारा देखी जा सकेगी। तो भगवान इस पृथ्वी पर आज भी उपस्थित है और कई सच्चे भक्तों को भगवान का साक्षात्कार भी हो चुका है। तो भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना में कुछ नियम का पालन करना भी आवश्यक होता है, क्योंकि यदि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन आप इन 6 गलतियों से बच पाएंगे तो निश्चित तौर से जो है आपकी किस्मत बदल जाएगी, रातों रात आपका भाग्य चमक सकता है। तो सबसे पहला काम है कि आपको जो है पानी में पुष्प डाल करके सुगंधित पानी से भगवान को स्नान कराना चाहिए। पानी में गुलाब के पुष्प आप डाल सकते हैं, इसके अलावा जो है और भी सुगंधित पुष्प जो कि भगवान श्री कृष्ण को अत्यधिक प्रिय होते हैं, ऐसे पुष्प पानी में डाल करके उस सुगंधित जल से भगवान को स्नान कराना चाहिए। दूसरा कार्य है स्नान के तुरंत बाद भगवान श्री कृष्ण को भोग अवश्य लगाए। भगवान को माखन मिश्री सर्वाधिक प्रिय होता है या अन्य कोई फल मिठाई का भी भोग आप लगा सकते हैं, लेकिन माखन मिश्री का भोग भगवान श्री कृष्ण को आवश्यक रूप से लगाना चाहिए। इसमें तुलसी पत्र अवश्य ही आपको रखना होगा। यदि आप तुलसी जी के बिना भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाएंगे तो भगवान उसे स्वीकार नहीं करेंगे। तीसरा कार्य है भगवान श्री कृष्ण की पूजा में जूट का उपयोग नहीं करना चाहिए। जूट के कपड़े या जूट के आसन का उपयोग इसमें नहीं किया जाता है। जूट का मतलब होता है टाट, और टाट की वस्तुओं का, टाट के आसन का, कपड़े का उपयोग जो है भगवान की पूजा में नहीं किया जाता है। इसलिए आप ध्यान रखें कि भगवान श्री कृष्ण की पूजा में जूट का उपयोग बिल्कुल न करें। चौथा कार्य है झूठे मुंह भगवान की पूजा नहीं करना चाहिए। यदि आप भगवान की पूजा करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको कुल्ला करके जो है मुख को शुद्ध करना चाहिए। जल पी करके आप अपने मुंह को शुद्ध कर लीजिएगा। आप यदि कुछ खाए पिए हो या कहीं से आ रहे हो या पान चबाया है या मुंह में आपने कुछ भी चबाया है तो मुंह आपका झूठा माना जाएगा। ऐसी स्थिति में यदि आप कुल्ला करके भगवान का पूजन करते हैं तो आपका मुंह शुद्ध माना जाएगा। और पांचवा कार्य है भगवान श्री कृष्ण को मुरझाए हुए पुराने फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। भगवान को ताजे ताजे फूल चढ़ाना चाहिए, इससे भगवान सर्वाधिक प्रसन्न रहते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन उनका प्रागट्य दिवस होता है, इसलिए उस दिन तो मुरझाए हुए बासी फूल भगवान को बिल्कुल नहीं चढ़ाना चाहिए। और इसके बाद छठा काम है भगवान श्री कृष्ण के सामने यदि आप दीपक लगाते हैं तो आपको तेल का दीपक नहीं लगाना है, घी का दीपक जलाना चाहिए। संभव हो तो गाय के घी का दीपक जलाना चाहिए। यदि कोई भी घी मिल जाता है तो अति उत्तम रहेगा। इसके अलावा दीपक यदि आप लगाते हैं तो स्टील या लोहे का दीपक आपको नहीं लगाना है। आप
आपके घर में यदि चांदी का दीपक हो तो वो लगा सकते हैं। यदि चांदी का दीपक आप नहीं ला सकते हैं तो आप मिट्टी का जो है पवित्र माना जाता है, इसलिए मिट्टी का दीपक भी भगवान के सामने प्रज्वलित कर सकते हैं। इसके अलावा तांबे का दीपक भी भगवान के सामने आप लगा सकते हैं। तो आपको इन छह बातों की परम सावधानी रखनी होगी। यदि आपने इन छह बातों का पालन जन्माष्टमी की दिन में या रात में कर लिया तो समझ लीजिएगा कि रातों रात आपका भाग्य बदल जाएगा और आपकी किस्मत चमक जाएगी। मित्रों, हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।